हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं गुरदीत सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पशु चिकित्सा गुरु में। दोस्तों, आज की वीडियो फिर से ओंकार भाई साहब के घर से अच्छी अच्छी साहिवाल गोमाता के साथ वीडियो बनाने जा रहे हैं जी, और बातचीत करते हैं ओंकार भाई साहब से किस प्रकार से ब्रीडिंग कर रहे हैं, किस प्रकार से इनका सेल परचेज का काम है जी, और किस रेट से यहाँ से गाय मिल जाती है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार ओंकार भाई साहब, क्या हाल चल है जी? बढ़िया जी, आपके सुनाओ। तो ओंकार भाई साहब, आज कल फिलहाल आप कोई भी दोस्तों श्री गंगानगर का टेम्परेचर देखो दोस्तों, आपको पता लग जाएगा 46-47 के अराउंड यहाँ का टेम्परेचर है जी। हाँ जी। और इस टेम्परेचर में भी गाय गोमाता जो सर्वाइव बहुत अच्छे तरीके से। ओंकार भाई साहब, दूध में कोई परेशानी आ रही है दूध, जैसे इतनी गर्मी है? देखो डॉक्टर साहब, ज़्यादा तो अभी नहीं, पर कुछ ना कुछ फर्क पड़ेगा, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है। 8 लीटर की है वो 7.5-7.5 लीटर, 1.5 लीटर का फर्क पड़ेगा, लीटर डेढ़ लीटर का फर्क पड़ जाता है। और तापमान इतना है डॉक्टर साहब, अगर 8 बजे के बाद बाहर निकले जी तो आदमी सहन नहीं कर पाता वो, ये तो वो माता है। अगर कोई और ब्रीड हो तो कितना फर्क पड़ जाता है जी, और साहिवाल में कितना फर्क पड़ जाता है जी? देखो अगर डॉक्टर साहब एचएफ हो तो ऐसी गर्मी में जो जिनके पास एचएफ है ना उन्हीं को ही पता है जी जी जी। किसानों को घर पे परिवार वालों को नहीं मिलता कूलर एसी जो आजकल एचएफ वाले गायों को ऊपर लगा रखे। तो आपने ओपन में ही यहाँ पे रख रखी है जी, कोई एसी की कुछ भी कूलर की सुविधा नहीं है जी? सर ये इनको कुछ फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा कुछ भी उनके। देखो दूध तो इतनी गर्मी है, कुछ लीटर डेढ़ लीटर का कोई ज्यादा बात नहीं है, पर वैसे बात नहीं है बीमार पड़ जाए और पड़ जाए वो बात नहीं। नहीं नहीं सही बात है, सर्वाइव कर बहुत अच्छे तरीके से कर रही है। ओंकार भाई साहब, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, अपनी लोकेशन जो अपने साथी मित्र आपको देख रहे हैं उनको बता दो जी। साहब मेरी लोकेशन है श्री गंगानगर राजस्थान की जी, जी, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 9296-26207 जी जी जी। हाँ जी, इस कॉन्टैक्ट नंबर से दोस्तों आप ओंकार भाई साहब से संपर्क कर सकते हो। किसी प्रकार की आपको सुविधा चाहिए तो भाई साहब से संपर्क करके आप पूछ सकते हो जी। ओंकार भाई साहब, यहाँ पे गंगानगर से जो आजकल साहिवाल का ब्रीडिंग सेंटर है, जो ब्रीड बहुत अच्छी तरीके से तैयार की जा रही है जी, काफ़ी साथ के नज़दीकी राज्य में काफ़ी चर्चा है गंगानगर की जी, आप इसके बारे में क्या करना चाहोगे जी? ब्रीडिंग कर रहे हैं ना सर जी, 30,000-35,000 में प्योर साहिवाल नस्ल की गौ माता मिल रही है, और क्या चाहिए किसान जी? जी जी। हाँ जी, अपने और भी वीडियो देखते हैं आपको। हाँ, उसमें भी मिलेगी, और यहाँ पे आने के बाद वैसी गौ माता आपको उस रेट में नहीं मिलती, उसका कारण क्या है जी? कारण है डॉक्टर साहब, पहली बात तो कुछ लोग है जो अगर किसान से हम गाय खरीदते, अगर ये गाय सस्ती मिल जाए जी, उसके लालच में बोल देते हैं भाई साहिवाल 30,000-35,000 में मिल जाएगी जी। मैं यूट्यूब पर स्पष्ट बोलता हूँ, अगर अच्छी गौ माता लोगे जी तो 50,000 के करीब आपको चलना ही पड़ेगा, यहाँ पे पहुँचना पड़ेगा जी। हाँ, और ऑफलाइन और ऑनलाइन की सुविधा किस प्रकार से रहेगी जी? चाहे ऑनलाइन लो चाहे ऑफलाइन लो, 1% की दिक्कत नहीं है। 1% की? मैं तो ज़्यादा यही अभी ऑफलाइन आज सबसे बेस्ट है, यहाँ पे पहुँच के देख के लेने से थोड़ा सा मन आपको संतुष्टि होगी, हमारे को संतुष्टि होगी। एक बार मिल लिए तो दोबारा से ना आओगे तो भी ऑनलाइन चली जाएगी। एक बार लेने के बाद जो बंदे का व्यवहार पता लग जाता है जी, किस हाँ प्रकार के जी, हाँ जी, उसके बाद भले ही आप ऑनलाइन मंगवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, और फिलहाल आपके पास इस गर्मी में भी कस्टमर आप काफ़ी अच्छे आ रहे हैं जी, और काफी आ रहे हैं सर जी। मैं लगभग तो लोगों को यही बोल रहा हूँ, एक बार रुक जाओ जी जी जी, टेम्परेचर बहुत है, अगर गाड़ी में लोड करेंगे तो भी ब्याई हुई गाय का अगर बच्चा है तो उसको भी समस्या है, गाय को भी समस्या जी जी। 10 दिन या 5 दिन 10 दिन में बारिश हो जाएगी, उसके बाद कोई टेम्परेचर का इतना फर्क नहीं पड़ेगा जी 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 जी। ओंकार भाई साहब, कितना टाइम हो गया आपको साहिवाल ब्रीड पे काम करते हो जी? देखो जी डॉक्टर साहब, हमने तो जन्म से यही काम देखा था जी जी जी। हाँ जी, जन्म से ही आप ये काम कर रहे हो, और काफ़ी अच्छी अच्छी बच्चियाँ और काफ़ी अच्छी गोमाता आपके पास, आपके रिजल्ट का परिणाम है जो आपके सामने है जी, हाँ जी। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, ऐसी क्वालिटी किसी किसान के घर पे भी आपको नहीं मिलेगी। हाँ जी, और ये जो सीमन की बच्चियाँ हैं या आपके घर के बुल की बच्ची है? नहीं नहीं डॉक्टर साहब, अपने घर का बुल है जी जी, उसी की बच्ची है। और उस बुल का आपके पास कोई रिकॉर्ड है जी? बिल्कुल है जी। तो काफ़ी उस बुल का रिजल्ट है दोस्तों, आप देख सकते हो कितनी सुंदर सुंदर बच्चियाँ इन्होंने तैयार की है जी। आंखों से देखने से कुछ और तरीका मालूम आता है, और मोबाइल से वीडियो बनाने पर कुछ और तरीके की आपको दिखाई दे रही होंगी। साहब सभी को ये बोलता हूँ, आप कैमरे पर बोली की आवाज के ऊपर मत जाओ, आप खुद आओ जी, एक बार तसल्ली करो भाई क्या चीज है, किसके पास है, कैसी चीज मिलेगी जी 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 जी। आप जब मार्केट घूमोगे तो पता लगेगा। बिल्कुल जी, और दूसरी बात जी, कोई भाई नया फार्म कर रहा है जी, अगर जुड़ के चलेगा तो 1% का लॉस नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। अगर मान लो कोई नौ गाय आपसे लेता है जी, हाँ जी, तो कुछ कुछ थोड़ा बहुत उनको उसको लॉस होगा, जैसे कुछ भी माल 1%। देखो डॉक्टर साहब, इतनी ग्रांट ले, कोई भाई 1 लोड ले चाहे 2 लोड ले जी, इतनी ग्रांट लेता हूँ, अगर वो गाय लेता है जी, तो उसके जो फार्म है जी, वहाँ पूरा स्टेप करा के आऊंगा, गौ माता पूरा सेट करवा के, चाहे 4 दिन लगे चाहे 5 दिन लगे, आप वहाँ पे पहुँच के सारा सेटअप करवा सारा करवा के आऊंगा 1,000 किलोमीटर के दायरे में।
और कोई भाई अगर दूर से है तो इतना लंबा मेरे से नहीं जाया जाएगा, 1000 किलोमीटर के दायरे में कोई भाई है तो मैं साथ जाके पूरी व्यवस्था बताऊंगा इस तरीके से हैंडल करो। जी जी जी। और काफी समस्या ओंकार भाई साहब ये रहती है कि यहाँ से बहुत अपने जो मित्रगण है आपसे गोमाता लेके जाते हैं जी, और पहुंचने के बाद उनको चारे पानी की उसको उसके बारे में नहीं पता होता, और जैसे आप यहाँ से उस चीज को भेजो तो किस प्रकार से सेटअप रहेगा जी? देखो डॉक्टर साहब, मैं इतने मेरे को हो गया टाइम हो गया काम करते हुए को, तो मैं कस्टमर को कोई पता नहीं होता भाई ओमकार ने गाय लोड कर दी तो गाय चली जाएगी जी, जी, पर जी। मैं उसके साथ मेरे घर से जी गाय का 5 दिन का चारा एडवांस डालता हूँ। जी जी। क्यों, नई जगह पशु जाता है तो आपके जो किसान भाई बैठे हैं मेरे से दूर उनका घर पे जो खाना है वो गाय गोमाता ने तुरंत जाके नहीं खाती। जी जी। तो इधर से जो अगर 5-7 दिन का अगर एडवांस चारा डाल दिया तो वो आगे जाके 5-7 दिन में मिला तो लाके सब खाने लग जाती। जी जी जी। हाँ जी, किसान भाइयों काफी अच्छी जानकारी आपसे शेयर की ओंकार भाई साहब ने, और मेरे हिसाब से इतना वाजिब है जी, जैसे जैसे आप ओंकार भाई साहब से जुड़ोगे आपको अच्छी अच्छी गाय डॉक्टर साहब से